Hello guys, welcome to the channel. Question number 13, chapter number 45, SC Verma. The product of the hole concentration and the conduction electron concentration turn out to be independent of the amount of the impurity doped. The concentration of the conduction electron in germanium is 6 into 10 raised to power 19 per cubic meter. When some phosphorus impurity is doped into a germanium sample, the concentration of conduction electrons increase to 2 into 10 raised to power 23 per cubic meter. Find the concentration of the holes doped into germanium. Hello guys, welcome to the channel. I am Mentor Anurag. So, we are talking about question number 13, semiconductors. And the question is all about concentration of charge carrier electrons and holes. ठीक है, तो सम वही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 के सिमिलर ही है. अगर उस वो क्वेश्चन हो गया तो इसमें कुछ भी नहीं बचा. ठीक है, तो इसका बड़ा भाई था. तो इसके अंदर है क्या, बेसिकली गिवन देखते हैं. तो गिवन के अंदर इसने सबसे पहले किस सेमीकंडक्टर की बात करी हुई है, जर्मेनियम. उसके अंदर सिलिकॉन था, इसके अंदर जर्मेनियम है. ठीक है, तो कहता है कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ना, वो कितने हैं, 6 into 10 raised to power 19 है. तो इसने जो गिवन दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, which is equal to 6 into 10 की पावर भैया 19, 1 मीटर क्यूब के अंदर, है ना, 1 मीटर क्यूब के अंदर. वहां पर सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ होल्स दिए थे. चलो उसकी बात नहीं कर रहे, अब इसकी बात करते हैं. लेकिन अभी प्योर है, तो प्योर वहां भी बात करी थी मैंने, प्योर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. जिन्होंने वीडियो देखा उनको क्लियर हो गया होगा कि वहां क्या बात हो रही थी. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. जब क्या होती है, स्टेट प्योर होती है, मतलब डोपिंग नहीं हुई होती, तो सीधा सीधा पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ होल्स कितने हैं भैया, वो भी कितने हैं, 6 into 10 raised to power 19 ही है. सही है. कहता है उसके बाद फास्फोरस से क्या कर दी, उसके अंदर डोपिंग कर दी. डोपिंग करने से जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो गए कितने, 6 2 into 10 की पावर 23. सही है, तो अब डोपिंग हो चुकी है. आफ्टर डोपिंग ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, दैट विल बी 2 into 10 की पावर 23, increase 2, ठीक है, increase नहीं बोला, उसने क्या बोला, increase बराबर कितने हो गए, 10 की पावर 23, सही है. तो after doping number of holes कितने हैं, मुझे नहीं पता, तो x मान लेता हूँ उसको, ठीक है. लेकिन एक चीज मुझे पता, वहाँ भी use करी थी, कि product of number of electron and number of holes is equal to constant, मतलब जितने product पहले था उतने product क्या रहेगा बाद में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाद वाले मल्टीप्लाई नंबर ऑफ होल्स बाद वाले, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. ठीक है, कांस्टेंट है. सही है, जैसे हम बोलते होते हैं n1 n2 यानी कुछ भी, m1 is equal to n2 m2, इसी तरह है. ठीक है, तो ये से बात करते हैं. तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे भैया, 6 into 10 की पावर 19. होल्स कितने थे पहले, 6 into 10 की पावर 19, क्योंकि प्योर स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं, इक्वली होते हैं. बाद में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो गिवन है, 2 into 10 की पावर 23. बाद में होल्स कितने हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, दैट विल बी मान लिए x. ठीक है, तो इसको यूज कर लेता हूं, 6 into 36, 10 की पावर भैया 38 डिवाइडेड बाय 2 into 10 की पावर 23 इज इक्वल टू x. 2 वाले भैया इसको काटो, 8 into 36 23, 38, तो भैया बेस सेम है, पावर डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 10 की पावर 38 माइनस 23, ठीक है जी, 18 ये तो कर ही लेंगे हम, 10 की पावर 5, 15, वेरी गुड, ठीक है, इज इक्वल टू x. तो इतने कितने हैं, होल्स, 18 इंटू 10 की पावर 15 नंबर ऑफ होल्स है, पहले कितने थे, इतने थे. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, साफ दिख रहा है क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है. लेकिन ये पूछा ही नहीं किसकी इंक्रीज हुई, उसने सिर्फ पूछा था फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द होल्स इन डोप्ड जर्मेनियम. तो डोप्ड जर्मेनियम के अंदर होल्स कितने हैं, 18 into 10 to power 15. So that is the answer of the question. तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि प्योर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स. जब डोपिंग कर लेते हैं तो NeNH इज इक्वल टू constant, the product of number of electrons multiply number of the holes is equal to constant. ये product doping से पहले is equal to doping के बाद, ये product क्या रहता है, constant रहता है, that is the thing. Hope funda clear होगा. फिर भी कोई doubt है तो comment in the comment box. And one more request, please subscribe the channel and like the video and share the channel. Thank you.